तो सर मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, कैसे जो नए पशुपालक हैं वो देसी नस्ल की तरफ आएं, उनको यही रहता है कि इनकम तो इसमें अच्छी होगी नहीं, तो सर आप बताएं भी देसी नस्लों से, स्पेशली गिर से, शाहीवाल से, जो हमारी अच्छी दूध देने वाली नस्लें हैं, उनसे अच्छी इनकम कैसे ले सकते हैं और आप कैसे अच्छी इनकम लेते हो इनसे? हम इनसे जो इनकम अच्छी लेते हैं, इनका जो गोबर है जी सर, हम उसको छोटे छोटे पुले बनवाते हैं जी सर, वो बिकते हैं। वो कहाँ बिकते हैं जी? वे नेट पे कोई भी ले लेगा, अखबार में निकलवा दो मोहल्ले में, जिस अमेजन पे और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे आप सर्च करके देख सकते हैं, अभी वहाँ पर उपले भी बिकते हैं गायों के है। बेचने वाला चाहिए और गौमूत्र भी इसका बिकता है, 20 रुपया लीटर। आप 20 रुपया लीटर गौमूत्र बेचते हो इसका, और उपले किस हिसाब से बिकते हैं आप? 60 रुपये किलो बिकते हैं वो, 60 रुपये किलो। और जो आपका दूध है, आप तो दिल्ली के पास रहते हो, आपका दूध क्या रेट तक जाता है? 150 रुपया किलो भी है, 200 रुपया किलो भी है। इसमें इतना फर्क क्यों है, इतना 150-200 मिल रहा है? इसका दूध मिलेगा नहीं, इसके दूध में बड़ी ताकत है, जिन लोगों को पता है वो 500 रुपये किलो भी खरीदते हैं इसका दूध। तो सर आपने बहुत गहरी बात बताई है कि इसका दूध बहुत महंगी कीमतें बिकता है, तो किसानों के लिए तो सर ये बहुत ही वरदान है। बिल्कुल वरदान, अगर मेहनत करें किसान तो उनका नाम ऊंचा होगा, उन्हें किसी की उसकी जरूरत नहीं है सहारे की, केवल मेहनत की जरूरत है। अगर शुरू शुरू में उसने मेहनत पर अगर खरा निखर गए वो, तो वो उन्हें कोई वो नहीं है। आमतौर पे किसान भाई हैं, जैसे आप तो सर गाजियाबाद में रहते हो, जो छोटे किसान हैं वो गांव में रहते हैं, उनको समस्या ये है कि सर उनको समझ में नहीं आता भी दूध कैसे बेचें। अब तो मोबाइल चल रहे हैं, सब कुछ है, नेट पे देख लो, हर आदमी गांव का भी बाजार का भी सब नेट चलाना जानते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है इसकी मोबाइल पर। बहुत ही शानदार बात आपने कही सर, अभी जो सोशल नेटवर्क है उससे आप उसका फायदा उठा के अच्छी इनकम इनसे कमा सकते हैं। तो किसान वीरू, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि आप उपलों को कैसे सेल कर सकते हैं। उपलों को आप दो जगह सेल कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि ऑनलाइन में आपको जो इसके सेलर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपकी सर भी मदद कर देंगे। और इसमें आप एक विशेषकर ध्यान रखें, जो उपलों का साइज है वो आप जैसी डिमांड है उसी का आप सांचा तैयार करें, उसी के सांचे के आधार पर वही साइज के आप उपले तैयार करें, ताकि आपके उपले आसानी से सेल हो सकें। और दूसरा उपले सेल करने का माध्यम हो सकता है आपका कि जो आपके लोकल शहर के अंदर जहां पर हवन सामग्री का सामान बिकता है, तो आप वहां पर संपर्क करें, वहां पर आप उपले तैयार करके जो देसी गाय के गोबर के हैं तो उनको तैयार करके आप उनको भी सेल कर सकते हैं। तो इसके बाद आती है बात हमारे गौमूत्र की। गौमूत्र को सेल करने के लिए आपको जो आपकी लोकल आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, भारत के लगभग हर शहर में आयुर्वेदिक कंपनियों की स्टाल या उनकी जो फैक्ट्री भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर पता करें। जैसे आयुर्वेदिक कंपनी का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको सिर्फ उनको साफ़ सुथरा गौमूत्र इकट्ठा करके देना है, बाकी काम उनका है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।